वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुरेंद्र द्विवेदी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम पढ़े थे लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस के बारे में। ठीक है, हमने क्या देखा था इस टॉपिक में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हीट जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में रिफ्लेक्ट होती है और डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में रिसीव होती है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों का अलग अलग टेम्परेचर होता है। एग्जाम्पल क्या है, हमने फॉर एग्जाम्पल क्या देखा था कि जो हमारा रीजन है 37.5 डिग्री नॉर्थ और 37.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड वाला जो रीजन है वो हमारा हीट सरप्लस रीजन है। मतलब यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, वो जो अमाउंट ऑफ हीट जो है रिफ्लेक्ट बैक होती है टेरेस्ट्रियल वेव्स के थ्रू, उनसे कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। क्या है, कंपैरेटिवली जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बैक से कहीं ज्यादा है। ठीक, इस वजह से क्या है, ये जो एरिया है यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, इस वजह से इस जोन को, इस एरिया को क्या बोलते हैं, हीट सरप्लस एरिया या हीट सरप्लस रीजन। ठीक, अब यहाँ पे प्लैनेटरी विंड्स या हम कहेंगे ओशन करेंट्स, ये सब कैसा काम करते हैं, ये काम करते हैं जायंट हीट इंजन का, हीट इंजन की तरह काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये करते हैं काम कि ये ट्रांसफर करते हैं हीट को हीट सरप्लस रीजन से हीट डेफिशिएंट रीजन पे। क्या करते हैं, ये जहाँ पे हीट ज्यादा है वहां से, जहाँ पे हीट कम है वहां पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये था, इस तरीके से आपका बैलेंस जो है मेंटेन रहता है और इसको कहते हैं लैटिट्यूडनल बैलेंस। ये पूरा टॉपिक आई होप क्लियर हो गया होगा। आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में। ठीक है, अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इन्वर्जन मतलब जो नॉर्मल सिनेरियो है टेम्परेचर का उसका उल्टा होना, ठीक है, या उसके विपरीत होना। ठीक है, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं। ठीक है, पर टेम्परेचर इन्वर्जन में ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, व्हेन द दिस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर गेट्स इन्वर्टेड, मतलब जैसे गेट्स इन्वर्टेड मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, नॉर्मली हमारा हाइट बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पर टेम्परेचर इन्वर्जन में हाइट बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज ही होता है, इसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन का नाम देते हैं या टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ठीक, दिस हैपन्स यूजुअली ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर नाइट एंड द इंटर माउंटेन वैली ड्यू टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब बहुत बड़ा कारण है, हम कहेंगे इसका प्रमुख कारण क्या है, क्यों होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, किस रेडिएशन की वजह से होता है, तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। किस रेडिएशन की वजह से, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कहाँ होता है, कब होता है, ये जब बहुत लंबी जो है ठंड की रात हो और इंटर माउंटेन वैली में होता है। ठीक है, बहुत लंबी ठंडक की रात हो या फिर जो है इंटर माउंटेन वैली हो वहां पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन ऑकर होता है। ठीक, इन विंटर नाइट अपर पार्ट ऑफ द स्नो गेट्स कोल्ड क्विकली ड्यू टू रैपिड रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड इवन द एयर कमिंग इन इट्स कॉन्टैक्ट गेट्स कूल डाउन। ठंडियों की रात में क्या होता है, जो अपर पार्ट है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हीट का बहुत जल्दी लॉस होता है ना, बहुत जल्दी लॉस होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू हीट का, और जो भी एयर उसके कॉन्टैक्ट में आती है वो उसको भी क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। ऑन द अदर हैंड एट द बॉटम ऑफ द वैली, इसका उल्टा होता है, बॉटम में वैली के लेस हीट जो है लॉस होती है रेडिएशन की वजह से, क्या होता है, लेस हीट लॉस होती है। दीस विंड्स आर कॉल्ड कैटाबैटिक विंड्स, ऐसे विंड्स जो है जहाँ पे मतलब हम कहेंगे लेस जो है हीट लॉस हो, विंड्स को क्या कहेंगे, कैटाबैटिक विंड्स। ठीक, इट इज ओनली बिकॉज कल्टिवेटेड एरियाज आर लोकेटेड ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द स्नो, अपर पार्ट्स ऑफ द स्नो, फॉर एग्जाम्पल मलबरी प्लांटेशन इन सुवा। अब हमने क्या देखा कि जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, लोअर पार्ट क्या होता है, वहां पर हीट जो है धीरे धीरे लॉस होती है, कम लॉस होती है रेडिएशन की वजह से,
ठीक है, वैली का जो बॉटम होता है वहां पे हीट जो है कम लॉस होती है, इस नाते वो क्या होता है गर्म रहता है, ठीक। और ऐसी विंड्स को हम क्या बोलते हैं, कैटाबैटिक विंड। अब हमने ये देखा जो कल्टीवेटेड एरियाज है वो मोस्टली कहाँ स्लोप्स पे, मोस्टली कहाँ लोकेटेड होते हैं, अपर वाले स्लोप्स, अपर पार्ट पे, ठीक है, ऑफ द स्लोप। स्लोप के ऊंचा ऊपरी हिस्से पे जो है हमारा कल्टीवेटेड एरिया लोकेटेड होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मलबरी प्लांटेशन इन सुवा, ठीक है, जापान एंड एप्पल प्लांटेशन इन इंडिया आर नॉट डन लोअर, आर नॉट डन लोअर रिच ऑफ द हिल स्लोप। हिल स्लोप के लोअर पे जो है हमारा एप्पल नहीं ग्रो होता, अपर पार्ट पे ही ग्रो होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन आई होप आपको समझ में आया आ गया होगा क्या होता है, कुछ नहीं होता ये, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है वो डिक्रीज होता है हाइट के बढ़ने के साथ साथ, पर टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है उल्टा होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। वन ऑफ द रीजन क्या है इसका, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।